को मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में फिर से एक बार एक न्यू अपडेट लेके, जिसमें कि आपको दिख रहा है ये हम फिरोजपुर वाले साइड पे खड़े हैं, फिरोजपुर वाली लाइन पे, जिसे कोट कपूरा फरीदकोट होते हुए हम फिरोजपुर जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है फाउंडेशन आपको दिख रही है, ये फाउंडेशन, तो ये फर्स्ट फाउंडेशन है जो फिरोजपुर की तरफ जो अभी नई फाउंडेशंस बनी है, ठीक है। आप समझ सकते हो अभी ये काम जो है 5-6 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके आगे जो ये आप नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं, यहाँ तक जो वायरिंग हुई पड़ी है, ये बठिंडा का आउटर है, ठीक है। ये भी फिरोजपुर डिवीज़न में पड़ता है, यहाँ से लगभग 400-500 मीटर जो है वहाँ से फिरोजपुर डिवीज़न जो है शुरू हो जाता है। और ये जो है ये नई फाउंडेशंस जो बन रही हैं उसमें ये पहली फाउंडेशन है। नेक्स्ट फाउंडेशन अगर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे सरहिंद नहर है, ठीक है, सरहिंद नहर है, उसको क्रॉस करके देन आपको ओवरब्रिज दिखाई दे रहा होगा, रोड ओवरब्रिज, तो वो है मलोट रोड, मतलब कि मलोट मुक्सर जाने के लिए, गंगानगर जाने के लिए। तो आगे चल के देखते हैं और भी फाउंडेशंस बन चुकी हैं। ये काम मतलब कि मैं लास्ट 12 अगस्त मतलब 12 अगस्त को जब मैंने पंजाब मेल जो लेट थी 5 घंटे, तो उसको कैप्चर जब किया था, 5 शायद 7 घंटे लेट थी, तो उसको जब कैप्चर करने आए थे तब यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं थी, ठीक है, और आगे भी फाउंडेशंस नहीं थी। तो आगे चल के अभी दिखाता हूँ आपको और भी फाउंडेशंस बन चुकी हैं। और मतलब कि सडनली मैं 12 को यहाँ से चला गया था और मैं 26 अगस्त को वापस आया था। 26 अगस्त को वापस आने के बाद मैंने एक दो दिन नहीं देखा, लेकिन आज ही मुझे सुबह एक मित्रगण जो है हमारे जैतो से हैं, नवदीप सिंह शायद उनका नाम है, मैं भूलता हूँ थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा, मतलब उन्होंने आज ट्रैवल करा है, बठिंडा आए थे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा उनसे मिल नहीं पाया मैं, तो उन्होंने बताया, तो वैसे ही मैं अपडेट लेने आ गया कि देखते हैं क्या कंडीशन है आज शाम। अभी बारिश हुई है अभी जस्ट, तो मैंने वैसे कल सुबह का प्लान किया था कि कल सुबह जाएंगे देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही चलते हैं, तो बारिश होने के बाद मैं आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे चल के थोड़ा सा काम देखते हैं। हालांकि इसका डबलिंग का भी काम जो है वो होना है इसके बाद, ठीक है। तो ये फाउंडेशन जो है ये डबलिंग को ध्यान में रख के नहीं की गई है, डबलिंग को ध्यान में रख के हो सकता है यहाँ से आगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कर रहे हैं फाउंडेशंस बना रहे हैं, और आगे लेफ्ट हैंड साइड में NFL यार्ड है, तो फिर कह सकते हैं कि डबलिंग को ध्यान में रख के किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे भी लाइन है जो कि बठिंडा का यार्ड सेक्शन में आता है, ठीक है। तो अगर उधर तो लाइन पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उधर लाइन बना दें, हो सकता है आगे कि अगर जो नेक्स्ट डबल लाइन आएगी वो राइट हैंड साइड हो यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है कि इन फाउंडेशंस को ख़त्म करके यहाँ पे एक इसी साइड हो सकता है कि लाइन बनाए और NFL यार्ड आएगा आगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ हो सकता है कि राइट हैंड साइड पे लाइन जो है न्यू लाइन आएगी, तो उसको बना सकते हैं। तो वो तो डबलिंग में पता चलेगा, अभी तो डबलिंग का प्रोसेस, मतलब कि अभी तो डबलिंग का कुछ टेंडर वगैरह भी नहीं आया है, लेकिन हालांकि ROR जो है, सर्वे जो है वो पास हो चुका है, उसका ROR पास हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले रेल बजट में, मतलब कि अब रेल बजट तो आना बंद हो गया, लेकिन आम बजट में ही रेल बजट आता है, तो उसमें हो सकता है कि अगले बजट में हमें, मतलब 2022-23 का बजट होगा, उसमें हो सकता है कुछ अलॉटमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत डबलिंग का टेंडर का प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले तो सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन ही होगा, और उसके बाद सबसे पहले क्या होगा कि सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि वर्क कितना फास्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हुआ है, और इसी तेज़ी से अगर चलता रहा तो 8-10 महीने में, 10-12 महीने में, मतलब एक साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक लोकोज ऑपरेशनल हो जाएंगे इस 88 किलोमीटर के सेक्शन में भी, मतलब कि जैसे पंजाब मेल है और भी अन्य ट्रेन्स हैं फिरोजपुर से नई दिल्ली जाने के लिए, तो वो हम कह सकते हैं कि
एंड टू एंड इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जो अभी तक बठिंडा तक इलेक्ट्रिक लोको से आते हैं और आगे फर्दर डीजल से जाती हैं। ठीक है, तो हम आगे आ चुके हैं सर हिंद नहर के, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी ताज़ा फाउंडेशंस बनी हुई हैं। ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी देखो आगे तो फाउंडेशंस बनाने का काम जो है यहाँ पे चल रहा है। आगे यहाँ पे काफ़ी आगे तक जो है फाउंडेशंस बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, काफ़ी फाउंडेशंस बन चुके हैं और आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी आ चुके हैं इस फ्लाईओवर के नीचे जो रोड गंगानगर के लिए जाता है। और ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था, अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे लाइन यहाँ तक, मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर सकती क्योंकि आगे NFL का यार्ड है। ठीक है जी, आप ये आपको जो दिख रहा है ये है NFL का यार्ड लेफ़्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अगर डबल वाली लाइन जो होगी वो राइट हैंड साइड यहाँ से हो सकता है टर्न करें। ठीक है, मतलब कि इसको डाउन लाइन बनाएंगे, सॉरी इसको अप लाइन बना देंगे और डाउन लाइन यहाँ पे ही, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं कि जो हमारा पीछे, मैंने आपको दिखाया था पीछे भी कि पीछे जो है हमारे पास जगह है लेफ़्ट हैंड साइड पे खाली। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे बठिंडा का यार्ड है, तो फिर वहाँ तक तो यार मतलब आगे तक यहाँ तक तो जो है लाइन लेफ़्ट हैंड साइड पे, मतलब इस साइड पे हो सकती है जो डबल न्यू लाइन होगी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी लाइन, जो नई लाइन पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो न्यू लाइन पड़ेगी वो यहाँ तक तो आएगी लेफ़्ट हैंड साइड पे, मतलब जो अभी आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, अगर बठिंडा की तरफ से फिरोजपुर की तरफ देखें तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड होगी। ये अभी हम बठिंडा की तरफ फेस करके खड़े हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो इधर आएगी, मतलब बठिंडा से इस साइड पे आएगी और फिर यहाँ से क्या होगा, जो डबल लाइन होगी वो इसके उस साइड से स्टार्ट होगी जब डबल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू होगा तब। ठीक है, फ़िलहाल तो डबलिंग का अभी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे पहले जैसे राजपुरा बठिंडा सेक्शन में हुआ है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी पहले। ठीक है, और फिर बीच में ही डबलिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। अब डबलिंग का जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो फिर यहाँ पे जो दाउन कला है और कॉली है वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, कि आगे मतलब कि जो करंट लाइन है, अभी वाली लाइन है जो, उसको कुछ सेक्शन तक तो उसको डाउन लाइन बनाया गया और कुछ सेक्शन पे वो अप लाइन बनी है। ठीक है, मतलब कुछ सेक्शंस पे जो है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में न्यू लाइन डाली गई है और कुछ सेक्शन पे उस पर राइट हैंड साइड पे न्यू लाइन डाली गई है। तो यही अपडेट है अभी तक तो मतलब कि जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन होगा उसके सारे जो अभी जो आपको फाउंडेशंस दिख रही हैं वो इसी साइड होंगी, मतलब लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड। तो मतलब NFL यार्ड तक तो ये फाउंडेशंस बन चुकी होंगी, मतलब कह सकते हैं कि धीरे 4-5 दिन में कह लो कि गोनियाना स्टेशन पे भी हो सकता है कि वहाँ पे भी ये खड्डे कर दिए होंगे। अब फाउंडेशंस 4-5 दिन में वहाँ भी स्टार्ट होने वाली होंगी। ठीक है, तो यही तक थी अपडेट। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेकिन एक तरह से दुख भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्योर डीजल सेक्शन था वो चला जाएगा, अब एल्कोस की ब्यूटी नहीं रहेगी। जैसा कि अभी आपने देखा 11125 वाटवा का WDM 3D जो था उसके साथ था, अपनी जम्मू तवी से अहमदाबाद को जाने वाली ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये एल्कोस की चगिंग साउंड बहुत मिस करेंगे जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। सिर्फ P7 ही P7 दिखेंगे, P7 जिस भी गाड़ी के साथ देखेंगे तो P7 ही आएगा।
ठीक है, क्योंकि P4 भी अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं, बहुत कम है। अब P7 की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, DLW वाराणसी भी प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका नाम अब BLW हो गया, बनारस लोको वर्क्स वाराणसी, और DMW डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में भी बहुत ज़ोरों से P7 की इलेक्ट्रिक सॉरी P7 की जो प्रोडक्शन है वो चल रही है। तो सिर्फ वाइट स्टैलियन दिखने वाला है आने वाले फ्यूचर में इंडियन रेलवेज के। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का कवर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।